मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि ये बोलने के लिए भी कभी हम लोग मिलेंगे नोर। मतलब उसने ऐसा क्यों कर लिया हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन हम लोग सब अभी आपस में एक दूसरे के साथ फ़ोन पर बात कर रहे थे, रो रहे थे कि ऐसा क्या हो गया ज़िंदगी में इतना कुछ अचीव करने के बाद कि उसे ये कदम उठाना पड़ा। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है क्योंकि मेरी आंखों के सामने हर एक वो चीज़ आ रही है अभी जो हम लोगों ने वक्त साथ में बिताया। एक परिवार की तरह हम 24-24 घंटे साथ में काम करते थे पवित्र रिश्ता के लिए। और सुशांत मुझे स्वाति दी नहीं, मंजू दी बोलता था क्योंकि मैं मंजूषा का कैरेक्टर प्ले कर रही थी। मैं वो कैरेक्टर प्ले कर रही थी जो मैं अर्चना और मानो की शादी करवाती हूँ। मुझे आज भी वो वक्त याद है जब वो पहली बार हम लोगों के सेट पर मॉक शूट के लिए आया था। हम लोग मिले और मैंने कहा अरे तुम तो दूसरा शो कर रहे हो। हाँ पर मैं यहाँ पर भी आया हूँ मॉक शूट के लिए। तो मैंने कहा देख नहीं नहीं तुम ही आ जाओगे अभी काम करने के लिए हमारे साथ। और एक्चुअली दूसरे दिन वो हमारे साथ काम कर रहा था। फिर उसकी पहली मूवी आई काई पोचे, तो हम सब लोग साथ में मिलकर देखने के लिए गए थे। मुझे याद है अभी भी अंधेरी PVR में हम लोग सब साथ में थे और हम लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे। इंटरवल में लोगों को पता चला कि अरे सुशांत सिंह राजपूत भी हमारे साथ मूवी देख रहा है। उन लोगों ने जब पहला घर साथ में लिया रेंट पर अंकिता सुशांत ने, तो हम उन लोगों के घर पर गए थे। जब उन लोगों ने घर खरीदा तब हम उनके साथ में थे। उसकी हर एक चीज़ में हम साथ में थे। जितना जितना स्टेप वो अपनी लाइफ में अपने मुकाम पर और बहुत सारी चीज़ें अचीव करता जा रहा था हम उसके साथ में थे। लेकिन दुख इस बात का है कि इस वक्त जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी हम लोगों की, हम में से कोई उसके साथ में नहीं था। कितने दिन पहले सुशांत से बात हुई होगी, कुछ मिले, कभी चैट हुई, कुछ बातचीत हुई? इंस्टा पे जो बात होती थी, आजकल तो सब लोग ऐसे ही हो गए हैं, सारे अपने अपनी लाइफ में बिजी हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात ये कहना चाहूँगी कि इतना मत बिजी हो जाओ कि कुछ अचीव करने के लिए इतना मत आगे निकल जाओ कि अपने आप को भी भूल जाओ। लग रहा है क्या रीज़न हो सकता है? कभी सुशांत की बातों से आपको ऐसा लगा हो, कभी कुछ चैट में ऐसे कहीं जिक्र किया हो कि कुछ डिप्रेशन है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मन में चल रहा हो लेकिन बता नहीं पा रहा हो? बिल्कुल ही नहीं। अभी 1 जून को पवित्र रिश्ता ने 11 साल कंप्लीट किए हैं। हम सब लोग इतने खुश थे। एकता मैम ने भी इंस्टा पे जब हम सब लोगों को बोला कि आप लोगों को बधाइयाँ, आपकी वजह से पवित्र रिश्ता बना, सुशांत ने उनको उसके लिए बहुत सारा थैंक यू बोला। हम लोगों ने कहा चलो ये लड़का एटलीस्ट रिप्लाई तो कर रहा है, कुछ चीज़ें ऐसा है वैसा। हमें मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि 1 तारीख और आज 14 तारीख, इस 14 दिन में इतना कुछ हो जाएगा कि वो हम लोगों के बीच में नहीं रहेगा। कितना सेट पे मस्ती होती थी, कितना कुछ यादें कुछ बताना चाहो कि ऐसा था सुशांत, मतलब ऐसा कदम उठा लेगा कभी? यादें तो बहुत हैं नुपुर, इतनी सारी यादें हैं कि वो इस छोटे से वक्त में समाएंगी नहीं। मैं हम लोग तो रह रहे कि सब आपस में वही सब चीज़ें मिस कर रहे हैं। मेरा बर्थडे था, आई थिंक मैं पहली एक्टर थी जब हम लोगों का पवित्र रिश्ता का शूट शुरू हुआ था, तो उसका बर्थडे आया था। हम लोग शूट कर रहे थे और मैं बहुत दुखी थी क्योंकि मेरी मम्मा आई हुई थी और मैं उनको मिल नहीं पा रही थी क्योंकि मैं शूट कर रही थी। तो ये सब लोग रूम में आए और 3-3, 4-4 केक सब लोग, सुशांत ही मुझे उठाकर लेकर गया कि मंजू दी कोई तो आपको मिलने के लिए आया है। तो मुझे याद ही नहीं था कि मेरा बर्थडे, क्योंकि मैं रोते रोते सो गई थी मम्मा को याद करते हुए। और जब मुझे पता चला कि अरे यहाँ पर तो, और इतनी ज़ोर ज़ोर से रूम से चिल्लाते हुए सब मुझे बाहर लेकर गए कि हैप्पी बर्थडे स्वाति दी, और वो चीज़ मुझे याद है। एक फ़नी इंसिडेंट याद है कि मैं बहुत बीमार थी और मेरा अंकिता और सुशांत का सीन चल रहा था और मैं खूब ज़ोर ज़ोर से पूरी पब्लिक के सामने उसको सुनाती हूँ कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, मैं खूब सुना रही हूँ। और मुझे इतना ज़्यादा बोलना था कि मैं बोलते बोलते